मैं सुधा सिंह आइडियल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस समय हम लोग संस्कृत में कारक पढ़ रहे हैं और आज हम कारक के अंतर्गत अधिकरण कारक यानी सप्तमी विभक्ति पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सप्तमी विभक्ति का पहला सूत्र है आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम सप्तम में अधिकरणे यानी कि आधार में, क्रिया के आधार में अधिकरण कारक होता है। क्रिया के आधार में अधिकरण कारक होता है। उदाहरण के लिए जैसे छात्राः विद्यालये पठन्ति, बालकाः गृहे गच्छन्ति, यानी कि क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। उदाहरण है हमारा, उदाहरण है जैसे छात्रा विद्यालय गच्छन्ति, छात्राः विद्यालये गच्छन्ति, बालकाः यहाँ गच्छन्ति की जगह पर पठन्ति कर देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। छात्राः विद्यालये पठन्ति, गच्छन्ति भी सही है लेकिन पठन्ति कर देंगे ज्यादा सही है। बालकाः गृहे गच्छन्ति यानी कि छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं और बालक घर को जाते हैं। तो ये अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति है। क्रिया का जो आधार है इसमें सप्तमी विभक्ति है। दूसरा सूत्र है हमारा यश्च भावेन भाव लक्षणम। दूसरा सूत्र है हमारा यश्च भावेन भाव लक्षणम। यश्च भावेन भाव लक्षणम। यश्च भावेन भाव लक्षणम यानी कि जब एक क्रिया होने के पश्चात दूसरी क्रिया होती है तो पहले वाली क्रिया में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यश्च भावेन भाव लक्षणम के अंतर्गत जब एक कार्य के पश्चात दूसरा कार्य होता है तो पहले हुए कार्य में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामे गते दशरथः प्राणान् आत्यजत। जैसे उदाहरण के लिए, उदाहरण है हमारा रामे गते दशरथः प्राणान् आत्यजत। राम के जाने के बाद दशरथ ने प्राणों का त्याग किया। रामे गते दशरथः प्राणान् आत्यजत। अगला उदाहरण देख सकते हैं, अष्टम गते सूरे गोपाः गृहम् अगच्छन्। अगला उदाहरण देख सकते हैं, अष्टम गते सूर्ये अष्टम गते सूर्ये गोपाः दूसरा उदाहरण है, अष्टम गते सूर्ये गोपाः गृहम् अगच्छन् घर को जाते हैं। गृहम् अगच्छन् आप लोग ध्यान से देखते चलिए, सूर्य के अस्त होने पर सारे गोप घर को जाते हैं। पहला हमारा सूत्र है आधारो अधिकरणम सप्तम में अधिकरणे, जहां पर जो है
क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा है यष्टाभावेन भाव लक्षणम, जब एक कार्य होने के पश्चात दूसरा कार्य होता है तो पहले हुए कार्य में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा। तीसरा सूत्र है हमारा यतश्च निर्धारणम्, नंबर 3 सूत्र है हमारा यतश्च निर्धारणम्। हमारा तीसरा अधिकरण कारक का तीसरा सूत्र है, यानी कि जब किसी समुदाय या वस्तु समुदाय में किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाए, जब किसी समुदाय में समूह में किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताई जाए तो समुदायवाची शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समुदायवाची वाचक जो शब्द होता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए कविषु कालिदासः श्रेष्ठः।